अगर आप ये कहते हो कि यार टाइम नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज यू विल लर्न हाउ टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली एंड बी मोर प्रोडक्टिव। पहली टेक्निक क्या है? डे थीमिंग। अब हम लोग कहते हैं ना कि यार आज मैं ये कपड़े पहनने वाला हूं क्योंकि मंडे है, आज फ्राइडे है तो मैं ये पहनने वाला हूं। इसी तरीके से अपने वीक को डे वाइज थीम कर लीजिए। क्या मतलब है इसका? जैसे मेरे लिए मंडे का दिन इज अ फैमिली डे या फिर रिलैक्स वाला डे, क्योंकि उससे पहले वाला दिन दैट इज संडे, वो मेरे लिए बहुत ही हेक्टिक होता है, जहाँ पे मेरे सेशंस होते हैं, मेरी मास्टर क्लास होती है, मेरे वेबिनार्स होते हैं। तो मंडे को आई एम लाइक शांत भीम शांत। ट्यूजडे को इट कैन बी अ मैनेजर डे वेयर आई एम लाइक फोकसिंग ऑन द टास्क, फोकसिंग ऑन द ईमेल्स, फोकसिंग ऑन द टीम्स लाइक डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। वेंसडे को इट इज लाइक डीप वर्क, कि जो भी कंटेंट प्रिपेयर करना है, जो भी ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रिपेयर करना है, जो भी सेशन की तैयारी करनी है, वेंसडे को यू गो डीप इनटू दैट। थर्सडे इज अबाउट डूइंग सम पॉडकास्ट, डूइंग सम सेशंस फॉर द क्लाइंट्स, फॉर द कॉर्पोरेट्स। फ्राइडे कैन बी अ प्लानिंग डे वेयर यू ब्रेनस्टॉर्म ऑन व्हाट लाइज अहेड फॉर यू इन द फ्यूचर। सैटरडे इज टू रिकॉर्ड वीडियोज। जो भी आप देख रहे हो, आज सैटरडे है तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड देन यू हैव संडे where you have all the trainings, all the webinars as I shared. तो इस तरीके से आप अपना वीक को प्लान करो कि आज ये दिन है ये करूंगा, आज ये दिन है ये करूंगा। अब आप कहोगे कि दिवस यार ये सब कैसे हो पाएगा, वी हैव वर्क, वी हैव टू गो टू ऑफिस एंड वी हैव टू मैनेज दिस, स्कूल है, कॉलेज है, कैसे हो पाएगा? देन इन दैट केस गो फॉर टास्क बैचिंग। मतलब कि आपने अपने दिन के अंदर अपने टाइम को इस तरीके से बांटा है कि एक गिवन टाइम पे आपने एक टास्क अलॉट कर दी। क्या मतलब है? जैसे सुबह उठने के बाद सोशल मीडिया, ब्रेकफास्ट करने से पहले सोशल मीडिया, लंच से पहले सोशल मीडिया, शाम को आने के बाद सोशल मीडिया, रात को सोने से पहले सोशल मीडिया। एक काम करो, दिन में आधा घंटा निकाल लो कि मैं शाम को 7 to 7:30 PM सोशल मीडिया ही करूँगा। आई समझ? आपके पास जो टास्क है जो कि इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट देन तभी अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपने उसको एक टाइम अलॉट कर दिया। जैसे और टास्क भी हो सकती हैं, आपको कब अपनी ईमेल्स चेक करनी है, बार बार रिफ्रेश करके कि आया कोई ईमेल, आया कोई ईमेल नहीं। अगर आपका प्रोफेशन ही ऐसा है जहाँ पर आपको ईमेल चेक करनी है, तब तो ईमेल चेक करना। ऐसा ना हो कि दिवस ने कहा था कि ईमेल सबसे लास्ट में चेक करना एंड योर मैनेजर से तरह क्या कर रहे हो। सो यू हैव टू चेक योर ईमेल्स गिवन टाइम, बार बार नहीं। ऐसे ही इफ यू हैव इंक्लिनेशन टूवर्ड्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि कोई किताब पढ़नी है, कोई कोर्स अटेंड करना है, तो चंक्स में मत करो, दिन में एक समय निर्धारित कर लो। सपोज सुबह ऑफिस जाते हुए मेट्रो में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, कैब में हो, वॉक कर रहे हो, कुछ भी है, कान में हेडफोन लगाए और कोई कोर्स, कोई पॉडकास्ट, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, जो भी है वो सुनते हुए आगे बढ़े। तो आपने टाइम अलॉट कर दिया कि अगर सपोज लिखना है कुछ, कि रात को सोने से पहले आधा घंटा मुझे लिखना ही है, मुझे जर्नलिंग करनी ही है। ऐसे ही अगर आपका फैमिली टाइम भी है कि मुझे पेरेंट्स से बात करनी है, तो मे बी आप जब अपना वॉक पे जा रहे हो कि ऑफिस से आने के बाद मैं एक घंटा वॉक पे जाऊंगा ही जाऊंगा, उस टाइम पे मैं अपने पेरेंट्स से बात भी करूँ। तो आपने क्या किया, आपने दो चीज़ें कर ली एक बारी में। अगर अब भी कह दो दिवस यार लाइफ का ना बुरा हाल हो रखा, कहाँ हो पाए सब, फिटनेस भी कह रहे हो, रिलेशनशिप भी कह रहे हो, पढ़ाई के लिए भी कह रहे हो, लिखने के लिए भी कह रहे हो, इतना कैसे हो पाए, एक ही तो लाइफ, एक ही तो जान है। द कॉन्सेप्ट इज ऑफ अप टाइम एंड डाउन टाइम। क्या मतलब है? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप दिन के एक टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, और एक टाइम पे बहुत ही लो एनर्जी पे रहते हो। जैसे मैं आमतौर पे शाम के बाद एक्टिव ज़्यादा हो जाता हूँ। इस समय भी रात के 11:30 बज रहे हैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो ये मेरा अप टाइम है जहाँ पे आई एम लाइक फुली चार्ज्ड अप टू रिकॉर्ड द वीडियोज़। तो इस तरीके से अपने पीक आवर्स ढूंढ लो जहाँ पे आप ज़्यादा एनर्जी के साथ, ज़्यादा फोकस के साथ एक काम को कर सकते हो। उससे क्या होगा, यू विल टेक लेस टाइम टू डू द सेम वर्क एंड यू विल बी एबल टू डू मोर स्टफ इन द एंटायर डे। अगर आपको लगता है कि
ईमेल्स या मैसेजेस जो कि इतना एनर्जी कंज्यूम नहीं करते हैं उसको अपने डाउन टाइम पे करो, अप टाइम पे वो काम करो जिसमें आपको एनर्जी चाहिए, फोकस चाहिए। आमतौर पे हम जो देखते हैं कि यार आज मुझे ये भी करना है, 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 तो तभी कैसे होगा, बहुत सारा काम है। इन दैट सिनेरियो गो फॉर टेक्निक कॉल्ड एज ईट दैट फ्रॉग। अब जेन्युइनली फ्रॉग को खाना नहीं है, मतलब क्या है कि जो भी एक सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको पहले फिनिश कर देना है। क्या मतलब है इसका? जैसे ही आप एक कॉम्प्लेक्स बड़ी टास्क को फिनिश कर देते हो आपका हौसला बढ़ जाता है, आपका मोमेंटम बिल्ड हो जाता है कि डस अगर मैंने ये कर लिया तो ये तो कुछ भी नहीं है, एंड दैट कीप्स यू गोइंग। सो ईट दैट फ्रॉग एज अ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सो उठो सुबह एंड फिनिश ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स टास्क। सो ये थी 5 टेक्निक्स टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। टाइम इज द ओनली रिसोर्स जो बहुत स्केयर्स है। पैसा कमा सकते हो, समय कमाना पॉसिबल नहीं है, समय को सिर्फ मैनेज कर सकते हो। सो दैट यू कैन डू अ लॉट मोर इन योर गिवन 24 आवर्स। खुद से पूछो समय जा कहां रहा है। यूज दीज टेक्निक्स एंड लेट मी नो हाउ यू प्लान टू यूज इट। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ऑसम।